पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू मेरी तरफ से कि आप लोगों ने मेरे फर्स्ट मॉर्निंग वॉक वाला वीडियो पे इतना सारा प्यार दिया हो, इतना सारा सपोर्ट किया हो। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ दो ताकि मैं, मतलब मैं जो ये 70 kg वेट है इसको मैं जल्दी से जल्दी घटा सकूँ। और फ्रेंड्स, मतलब आप लोगों के प्यार से, सपोर्ट से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलते हैं। तो और मुझे एक सब्सक्राइबर जो मेरे फ्रेंड है, उसने मुझे कमेंट करके बोला है कि प्रिया जी, मतलब बॉडी में पेन होगा। सच में मेरे बॉडी पेन होना शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं इसको इग्नोर करूँगी और कंटिन्यू इसको चालू करके रखेंगे, ठीक है। और जल्दी से जल्दी ये जो वज़न है इसको मैं घटा के ही रहूँगी। और फ्रेंड्स, मैं मतलब डेली तो वर्कआउट का ब्लॉग मैं बना शायद नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं कभी कभार आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि मैं नया नया क्या क्या एक्सरसाइज कर रही हूँ, सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग मेरे सपोर्ट कर रहे हो, वैसे राजा जी मेरे पीछे पड़ गए हैं। मतलब आज का डिनर में कुछ बनाने वाले हैं जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। उसको खाने से ऐसा लगता है कि मैं बीमार पड़ गई हूँ। तो चलो जी, राजा जी से मिलवा रहे हैं, उनसे ही आप लोग जान लो कि राजा जी मेरे लिए डिनर पे क्या कर बनाने वाले हैं जिससे मेरा वेट लॉस हो सके जल्दी से जल्दी। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमें पहली बार देख रहे हो, तो जी मैं बता दे रही हूँ कि मैं हूँ प्रिया और राजा जी से तो अभी मिलवा रहे हैं। और हम दोनों के बारे में अगर जानना है तो जी हमारे सारे ब्लॉग्स को देखना पड़ेगा। और जी हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि हम जब भी कोई नए नए ऐसे ब्लॉग्स डाले उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुँच सके। इसलिए ज़रूरी है बेल आइकन को प्रेस करना, उसको भी दबा दो, ठीक है। तो चलो जी, राजा जी से जान लो कि आज के डिनर पर क्या बन रहा है। तो फ्रेंड्स, मिलिए मेरे टेनर जी से। टेनर जी, क्या हुआ, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो मुझे? ध्यान में हूँ ना मैं अभी। क्या ध्यान कर रहे हो? योगा कर रहे हैं मन को शांत रखने के लिए। अभी मुझे बहुत लंबा सफर, बहुत ही कठोर परिस्थिति से जाना पड़ेगा, इसलिए ध्यान लगा रहे। अच्छा, अपना ध्यान आप बाद में करो। मेरे जो ये 70 kg वेट घटाने वाले हो, आज का जो डिनर आप बनाने वाले हो जिसको खा के मैं कल ही बीमार पड़ जाऊँ और मेरा जो कल का ब्लॉग बनेगा उसमें मेरे फ्रेंड्स लोगों को पता चल जाएगा कि प्रिया बीमार पड़ गई है। ऐसी बात कर रही हो, क्यों बीमार पड़ जाओगी? मैं जो अभी बनाने वाला हूँ फ्रेंड्स, वहाँ पे मैं अपना प्यार जो है ठूस ठूस के भर भर के मिक्स करके दूंगा, ठीक है। अच्छा। तो ऐसा प्यार भर भर के दूंगा तो खाके तुमको ऐसा लगा कि मैं रोज खाऊं ऐसा। अच्छा। वाला खाना रोज खाऊं ऐसा वाला फील आएगा तुमको। अच्छा। ठीक है। हाँ, तुम सिर्फ देखते जाओ कि क्या बनाते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। बीमार नहीं, तुम तो खिल जाओगे एकदम, मेरे प्यार में पागल हो जाओगे। बाप रे। हाँ, ठीक है, चलो देखते हैं कि मैं कैसे इनके प्यार में पागल बन जाऊँ, ऐसा क्या खाना बनाने वाले हैं राजा जी। तो चलो चल के देखते हैं राजा जी आज मेरे लिए क्या डिनर बनाने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, चलो फटाफट दिखाते हैं मेरा कुकिंग। तो फिर फ्रेंड्स, इतने दिनों से आप लोगों ने ये जगह पे सिर्फ प्रिया को देखा है, आज जो है मुझे देख रहे हो, ठीक है। तो मैं बनाने वाला हूँ अभी प्रिया के लिए खाना जो खा के प्रिया का हो जाएगा एकदम वेट लॉस, ठीक है। तो अभी जो मैं बनाऊंगा, मेरे पीछे आप लोगों ने दिखाई होगा कुछ सब्जी वगैरह है जो कि मैं, मुझे तो आता नहीं है लेकिन प्रिया को देख देख के कुछ सीखा हूँ, तो इसे मैं उसके लिए कुछ बना दूंगा। और साथ में बनाएंगे रोटी, रोटी खा के प्रिया हो जाएगी रोटी जैसी पतली, ठीक है। तो फिलहाल शुरू करेंगे, आप लोग देखिएगा और बोलिएगा कि कैसा मैंने बनाया है। और मेरा जो बाल है इसको भी मैंने सेट कर लिया है ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है। डिस्टर्ब तो करेगा ही, बाल काट लो, कितना बड़ा हो गया है। बाल हम बड़ा करेगा कि मैं जो पुराना वाला जॉन अब्राहम है ना, नहीं चाहिए जॉन अब्राहम, अब्राहम आजकल नहीं चलता है, आजकल छोटे छोटे बाल चलते हैं। चलो काटना पड़ेगा तुम्हारे बाल। मैं नहीं काटने वाला, ठीक है, फिर शुरू करते हैं, देखते जाओ। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आटा को छान लूंगा, ठीक है, ताकि आज रोटी जो बने हाँ एकदम स्मूथ बने। थोड़ा थोड़ा करके छानना पड़ेगा। हाँ
मिक्स कर रहे हैं प्यार इसके साथ, ठीक है। मेरा रोटी बनाना हो गया है, ये सब आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये सब प्रिया खाएगी और पतली बन जाएगी। और अभी जो करेंगे, थोड़ा सब्जी बनाएंगे, पता नहीं क्या बनाएंगे, कुछ मिक्स सब्जी बनाते हैं, देखते हैं। ये सब है मेरे पास, ये सब टमाटर है, फिर झींगा है, हाँ कुछ बनाते हैं फिर। Thank you.
आलू जो है सब काट के धो लिया है, और इसके साथ ये सब्जी क्या बोलते हैं इसको, झींगा, हम लोग तो झींगा बोलते हैं, ठीक है। और है ये आलू, ठीक है। तो अभी सबको धो दिया है, अभी इसका एक मिक्स सब्जी बनाएंगे। लौकी को छोड़ दिया मैंने, क्योंकि लौकी के इसके संग लौकी कैसा लगा मुझे कुछ आइडिया आ नहीं रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे मैं सब्जी बनाता हूँ, एकदम हेल्थी सब्जी, ठीक है। ये खाएगी प्रिया, हाँ, और तंदुरुस्त बन जाएगी। आज खाना बनाते बनाते मालूम पड़ा कि तुम कितना मेहनत करके खाना बनाती हो प्रिया। मैं तो पसीना पसीना हो गया आज। हाँ ठीक है, अब जो वादा किया है वो तो निभाना पड़ेगा ही। बापरे, हाँ बैकअप में जो है हम रखेंगे अंडा भुजिया, अंडा भुजिया, हाँ अंडा वो जो टमाटर के साथ बनाते हैं ना, प्याज व्याज देके, हाँ थोड़ा अंडा साथ में रखेंगे तो क्या होगा, सब्जी अगर टेस्टी नहीं बना होगा तो रोटी के संग तो अंडा भुजिया खा के एकदम, ठीक है। प्याज व्याज काटे हो तो दिखा दो फ्रेंड्स लोगों को, सब काट के रखा है ये सब मैंने। ये देखो ये है टमाटर, ये है प्याज, ठीक है, और यहाँ पे है अंडा। तो ठीक है, तुम अंडा भुजिया स्टार्ट कर दो। अभी बनाऊंगा, बस हो ही गया है, कंप्लीट हो जाएगा ये बनाने के बाद। ठीक है तो चलो फ्रेंड्स देखो राय जी बनाए अंडा भुजिया।
खाना बना दिया है प्रिया के लिए, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा था कि प्रिया को तो रोटी पसंद है नहीं, और मैं चाहता हूँ कि प्रिया रोटी जो खाए प्यार से ही खाए, ताकि वो रोटी खाना कंटिन्यू कर सके। इसलिए मैंने प्रिया को बोला है कि तुम इमेजिन करो कि तुम कहीं बाहर गई हो और जहाँ रोटी ही मिलता हो और कुछ नहीं मिलता हो, हाँ। तो साथ साथ उसको बोला है कि तुम थोड़ा तैयार होकर आओ, ताकि तुमको लगे कि तुम सच में बाहर हो, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, रोटी खाने का जो माहौल है वो उसको भी अच्छा लगेगा और रोटी खाने का मन भी होगा, वो तो खाने पे वो ज़्यादा ध्यान दे पाएगी, ठीक है। तो अब ऐसा करते कि मैं भी तैयार होकर आता हूँ और ऐसा फीलिंग मतलब दोनों मिलके बनाते हैं कि जैसे मानो बाहर गए हो। हे फ्रेंड्स, तो फिर देखो मैं तैयार होके आ गई हूँ। राजा जी ने बोला है कि तुम तैयार होके फिर डिनर करोगी, तो मैं तैयार हो गई हूँ। तो आप लोग थोड़ा बता देना कि मैं कैसे दिख रही हूँ। हाँ, और चलो चल के पहले दिखाते हैं कि राजा जी ने आखिर डिनर को कैसे पेश किए हैं, ठीक है। सच में रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, पर ये जो राजा जी मेरे लिए किए हैं इसको देख के मुझसे रहा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। यही तो तुमको खाना खिलाने का ये सब बहाना है, अभी ऐसे डेकोरेशन करके दिया है ना, अभी तुमको पसंद नहीं है रोटी, लेकिन फिर भी तुमको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या मैंने दिया है तुमको खाने के लिए, ठीक है। हाँ, तो राजा जी कैसे खाना बनाए हैं मैं जल्दी से खा के आप लोगों को बताती हूँ। चलो शुरू करते हैं फिर। हाँ, अभी अगर रोटी सख्त भी होगा ना फ्रेंड्स, तो भी मुझे सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ कि मुझे दांत नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सब जो स्टाइल मार के मैंने किए हैं ना, राजी ने रोटी किए हैं, देखो देख सकते हो ये राजी का रोटी है, तो इधर से देखो लीक भी है। हाँ ठीक है ठीक है, थोड़ा और करारा भी, ठीक है, आवाज से आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो तो अभी मुझे खाना पड़ेगा ऐसे ही रोटी, ये भी देखो, ठीक है। अभी खा के मैं बताती हूँ कैसा है। चलो जी राजी शुरू करते हैं। ठीक है चलो शुरू करते हैं। अब रोटी खाना जो है शुरू हो गया, शुभारम्भ हो गया। हाँ, अभी डिनर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही खाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोग भी हमारे साथ ये राजा जी ने जो खाना बनाए हैं खाओ, ये आप लोगों के लिए, ठीक है, यहाँ से खा लो और क्या बताए। हाँ तो राजा जी, मुझसे रहा नहीं जा रहा है राजा जी, खा रहे हैं मुझसे रहा नहीं जा रहा। अंदाज़ ठीक है, लेकिन रोटी का कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं क्या बोलोगे।
फ्रेंड्स रोटी देखकर ही मालूम पड़ गया था कि थोड़ा सख्त हुआ हुआ भी है, लेकिन अच्छा लग रहा है, भुजिया बहुत टेस्टी बने हैं। टेंशन ना लो, मैं खा लूंगी। खा लो ना, चलो ठीक है, तुम बस खाओ, यही मेरा मतलब मेन मोटो था कि तुमको रोटी खिलाए। हाँ रोटी थोड़ा ज्यादा ही सख्त हो गया, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, इतना तो करके बनाए थे। ये जब तुम इसको शेक रहे थे ना तब ज्यादा ड्राई हो गया, तब कम करना पड़ता थोड़ा। अभी तो रोटी नहीं, ऐसा लग रहा है पापड़ के संग खा रहे ऐसे। और बेले भी वो स्मूथ नहीं हुआ ना बेले, इसलिए। लेकिन फ्रेंड्स आई ने भुजिया बहुत टेस्टी बने हैं, और रोटी मैंने देखा राजे ने बहुत मतलब मेहनत करके बनाए हैं, तो मेरे लिए तो ये क्या बताऊँ सबसे अच्छा रोटी लग रहा है अभी। प्यार ठूस ठूस के भर जाना चाहिए ना। अभी सिर्फ मुझसे प्यार करने से ही नहीं चलेगा, अभी रोटी को भी प्यार करना पड़ेगा तुमको, ठीक है? अपने जीवन में रोटी को भी आंटी जो है शुरू कर दो। हाँ बाबा खाएंगे। सब्जी ठीक है, अभी सब्जी को टेस्ट करना पड़ेगा। मैंने कर लिया है, सब्जी अच्छा हुआ है। हाँ पता नहीं कैसे बन गया इतना अच्छा। सच में सब्जी बहुत टेस्टी बनी है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ कैसे बना लिया वही तो हम सोच रहे थे कि पता नहीं कैसे बन गया, हम मतलब मुझे खुद को ही बिलीव नहीं हो रहा कि ये सब्जी कैसे बन गया इतना अच्छा। जो भी हो फ्रेंड्स सब्जी बहुत ही अच्छी बनाई है राजा जी ने, एकदम मतलब लग ही ना रहा है कि राजा जी ने बनाए। ये सब मेरे हाथों का जादू है। जादू तो है ही, लेकिन राजा जी क्या है ना, एक बात मैं बोल रही हूँ, राजा जी जब भी मैं खाना बनाती हूँ ये ऐसा कभी नहीं करते, जब भी वो घर पे रहते और मैं खाना बनाती हूँ तब क्या करते राजा जी, मतलब मेरे साथ किचन में हेल्प कर देते हैं, मुझे देखते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं खाना बना रही हूँ और ये आराम से अपना मोबाइल जो है पकड़े है या फिर टीवी देख रहे कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर वक्त मेरे साथ साथ रहते, तो तुमने वहीं से ही सीखा होगा। हाँ तुम्हारे से ही सीखा है सब, लेकिन फिर भी कैसे पता नहीं इतना अच्छा बन गया। बहुत अच्छा बन गया, अब तो रोज सब्जी खाएंगे हम। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, मुझे अच्छा लग रहा है। सभी ठीक है, रोटी का थोड़ा प्रॉब्लम है रोटी में, लेकिन फिर भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब छोड़ देंगे खा नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है, खा सकते हैं। टाइम लग रहा है, हाँ थोड़ा खाने में टाइम लगेगा। ये क्या दोस्ती खत्म तुम्हारा? हाँ
अरे शाबाश, तुम तो मेरे से भी आगे जा रहे हो। देखो मेरा हाल भी है। गुड, वेरी गुड। ये हुई ना बात, और भी लेंगे। लो लो रोटी, भर भर के लो। रोटी अच्छे ही बना है, पर पूरा पापड़ जैसे रोटी हो गया राजू जी। तो दे दू। रोटी जो मैं रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। हमारे घर में रोटी बनता ही नहीं। कभी भी होता है तो जबरदस्ती, मतलब बहुत ना। हाँ कितना मैं बनाती ही नहीं हूँ रोटी, पर मुझे आज और खाने से क्या होता है ऐसा लगता है मानो बुखार आ गया मुझे। राइन बोलते तुम बहाना करते हो, आज लग रहा है सच में क्या मैं बहाना करती थी राइन। बुखार तो आया नहीं। नहीं बुखार नहीं आया, सबके सामने खा रही है, कोई बुखार वगैरह कुछ नहीं आया है अभी। नहीं वो भी इतना सख्त रोटी खा रही है, चबा रही है, कोई बुखार नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो सब तुम्हारे मन का भ्रम था। हो सकता है, पर एक्चुअली मुझे तो मन नहीं होता था ना। ऐसी कोई बात नहीं है एक्चुअली, इतने मतलब इतने दिनों से तुमने मेरे मतलब इतना प्यार से जो मैंने बनाया ये सब रोटी का टेस्ट कभी तक ले नहीं थे ना। नहीं तुम्हारी नसीब में ये रोटी था। इसीलिए जब तक मिला नहीं तब तक तुम्हारा ऐसा हाल है। अब ये मिल गया है, इसमें इतना भर भर के प्यार दिया है ना, ये मिल गया है ना, अभी कुछ नहीं होगा तुमको देखना। अभी तो मेरे 3 रोटी कंप्लीट हो गया। तुम तो बहुत फास्ट कर रही हो बाप, ऐसे तुम फास्ट खाती हो, लेकिन आज तो मेरा और भी टाइम लगेगा मुझे। और मैं कभी खाती हूँ तो एक रोटी खाने से मन बुखार हो गया। आप क्यों खा रहे? मुझे तो ऐसी नहीं हो रहा, मैं खा रही हूँ। चलो अच्छा है, अच्छा लग रहा है मुझे कि तुम रोटी जो हो खा रही हो। और ज़्यादा अच्छा लगता तो रोटी थोड़ा नरम होने से ज़्यादा अच्छा लगता। नहीं कोई बात नहीं, अब ये वाला खत्म कर दिया तो मैं 4 रोटी खा गई रहती थी। बस हो गया ना। मैंने 4 रोटी खाए हैं, मेरा पेट एकदम भर गया है ऐसा लग रहा है। भर गया है? हाँ। तो फ्रेंड्स राजा जी को रोटी बनाना बिल्कुल नहीं आता है, फिर भी राजा जी ने बड़ी मेहनत से आज पहली बार मेरे लिए रोटी बनाए हैं।
कभी रोटी नहीं बनाई राजा जी ने। तो मैं ये खा के अभी राजा जी को प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हर रोज रात को रोटी खाएंगे। सच में? ठीक है, चलेगा। ठीक है, आज से हमारे रोज रात को डिनर में रोटी बनेगा। तो फिर प्रिया तो अभी मेरे बात मान ली, रोटी तो खाने की खाएगी नहीं बोले थे। अभी आज का रोटी खा के उसको मन हो गया है रोटी खाना। ठीक है, रोटी बनेगा हर रात को, लेकिन ठीक है हर रोज नहीं बनाना पड़ेगा। 2-3 दिन जो है मैं तुमको छूट दूंगा। ठीक है, 2-3 दिन छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि रात को रोटी ही बने। हाँ ठीक है, फिर जब मन होगा फिर 1-2 दिन चावल भी खा लेंगे। तुमने इतना सारा भुजिया रख दिया मुझे दो। हाँ भुजिया है, तो भुजिया तो है ही, बनाए थे, इतना ज़्यादा हो गया क्या मालूम, सब ज़्यादा हो गया है। ले लो, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बता देना कि आप लोगों को ये वाला ब्लॉग कैसे लगे हैं, और वो भी राजा जी आज पहली बार डिनर बनाए हैं मेरे लिए, मतलब रोटी, और मैंने इतने प्यार से खाए हैं आज रोटी पहली बार। तो कमेंट ज़रूर कर देना। हाँ, और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो। और हम लोग मिल रहे हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय।